कोई ज़रूरी नहीं है कि हम फौजी बनकर देश के लिए लड़े तभी हम अपने देश के लिए काम कर सकते हैं। इस दुनिया में वैज्ञानिक भी तो अपने देश के लिए काम करता है। एक फौजी लड़ता है लेकिन उसके इंटरटेन के लिए क्या होता है वहाँ पे ज़्यादा? खेसारी का गाना। कहीं ना कहीं तो मैं उनके दिल में हूँ और मेरे गाने सुनते हैं और अपना इंजॉय करके दुश्मनों का सफाया करते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं देश के लिए अपने जगह से, इंटरटेन की जगह से, अपनी फिल्म से, अपने गानों से कहीं ना कहीं उनके दिल को सुकून पहुंचाता हूं, ताकि वो कहीं लड़े तो दिल खोल के लड़े कि अरे यार। इसलिए मैंने गाना गाया था अभी छठ में कि अरे की चाइनी जेबा कि निहाना पापा बनोले रही हा दूरी मही बॉर्डर पर छठवा करी पाकिस्तान में बुरी छोड़ी छोड़ी। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वर्दी पहनकर ही अपने देश की रक्षा करें। हम जहाँ हैं वहाँ से अपने देश के लिए सोच सकते हैं। हम अपने इंटरटेन की दुनिया में हैं तो हम अपने इंटरटेन से अपने फौजी भाइयों का मनोरंजन कराकर और उनको ऊर्जा दे सकते हैं। जिला चंपारण की बात पूछना चाहूँगा तो जिला चंपारण का सब्जेक्ट क्या है और किस वक्त के जिला चंपारण आज़ादी के समय का सब्जेक्ट है। जब जिला चंपारण आज़ाद हुआ था तब उसमें एक किरदार जो है, एक भैंस चराने वाला आदमी ने क्या काम कर सकता है, अपने देश के लिए क्या कर सकता है, अपने जगह के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने लोगों के लिए क्या कर सकता है, तो एक रियलिटी कहानी है। जब उन्होंने सुनाया तो मुझे लगा कि नहीं, अगर रियल है तो मैं करूँगा इस फिल्म को, और मुझे कहानी बहुत पसंद आई और मैं उसी हिसाब से इस फिल्म को साइन किया। और प्रोड्यूसर इसके बहुत अच्छे हैं और हमारे जो लाल बाबू जी हैं डायरेक्टर इसके, उन्होंने बंगला फिल्म बहुत किया है, भोजपुरी, जबकि वो हमारी मिट्टी से हैं लेकिन उन्होंने कभी भोजपुरी नहीं की, लेकिन उन्होंने हमारे बहुत सारा फिल्म देखा तो उनको लगा से नहीं मुझे, मैं उनसे पूछा सवाल कि मैं ही क्यों, बोले कि खेसारी जी आपके अंदर मिट्टी की सुगंध आती है इसलिए मैं इस कहानी को आपके साथ करना चाहता हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। बाकी कोई बात नहीं। खेसारी ये भी कहना चाहूँगा आपसे, इतने सालों से आप काम करें भोजपुरी इंडस्ट्री में, कभी ये भी तुलना करते हैं कि जिस तरह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख हो, सलमान हो, ये लोग को जो ख्याति मिलती है, जो कंपनसेशन मिलता है, उस बारे में कभी आप सोचते हैं या वहाँ भी आप खुश हैं? मैं जहाँ हूँ अभी खुश हूँ, लेकिन मेरी पब्लिक अगर मुझे ऐसा ही प्यार करते रही तो मैं उनके हर उस दुनिया में जाकर उनके इंटरटेन करूँगा जहाँ वो बसती है, जहाँ वो मुझे देखना चाहती है, और मुझे कहीं ऊपर जहाँ जितना ऊपर भेजना है ये पब्लिक का ही काम है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इतना मेहनत करूँ कि अपनी पब्लिक के दिल पे राज हमेशा करता रहूँ और उनके लिए मैं कुछ अच्छा कर सकूँ।